मैम, वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी इन मिड नाइट कि उसके कजिन का अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, वो 3 डेज ही इज लाइक वेंटिलेटर पे उसको डाल दिया है. उसके इतने इश्यूज हैं काफी सारे कि फीवर कंट्रोल नहीं है उसको, वॉश मतलब टॉयलेट नहीं हो रहा है, पास यूरिन पास नहीं हो रहा है. सो मेनी इश्यूज वेयर देयर एंड ट्रीटमेंट वॉज गोइंग, बट डॉक्टर्स वेर नॉट एबल टू, उनको क्लिक नहीं हो रहा था व्हाट इज द मेन इश्यू. प्रॉब्लम या एंड मदर वॉज ऑल्सो इन द सेम कंडीशन विद हाई फीवर. शी वॉज ऑल्सो सफरिंग हाई फीवर. सो शी आस्क्ड मी कैन यू हेल्प मी आउट बिकॉज शी वॉज नोइंग कि आई एम गिविंग रेकी एंड ऑल. करेक्ट सो आई टोल्ड कि मैं करती हूँ अपने साइड से, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू हैव टू ट्रस्ट, है ना. करेक्ट बिकॉज मैम आप किसी को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते, बट यू हैव टू ट्रस्ट. तो मैंने उनको रेकी देना स्टार्ट किया, हीलिंग्स. आफ्टर लाइक 15 आवर्स डॉक्टर्स को अचानक से लगा कि यूरिन भी पास हुआ है बच्चे का एंड फीवर भी बिल्कुल कंट्रोल्ड, मतलब नॉर्मल फीवर, कंट्रोल्ड भी नहीं, नॉर्मल फीवर. एंड उसकी मदर का भी नॉर्मल फीवर, एंड प्लस वो कह रही थी कि मेरी बॉडी से लगा कि कुछ निकला है, इट्स लाइक माय बॉडी इज सो लाइट. वाह वाह तो शी फेल्ट लाइक दैट, इट वाज अ मिरेकल फॉर मी बिकॉज वो यस मेडिसिन, डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स वेर आल्सो सरप्राइज कि ऐसा भी होता है, बिकॉज दैट वाज शेयर्ड विद देम आल्सो कि वी राइट ऑप्टेड दिस ऑप्शन आल्सो. सो इट वॉज लाइक अ मेरिकल. अगेन माई हस्बैंड, उनकी भी मैं रेगुलर रेकी देती रहती हूँ, उनको भी बहुत सारे इश्यूज हैं एंड अब वो खुद मांगते रहते हैं डेली बेसिस पे, यू गिव मी रेकी. ही इज लाइक सो मच हैबिचुअल टू रेकी नाउ. वेरी नाइस, तो गुड एडिक्शन. रेकी एडिक्शन इज ऑलवेज एंड मैम गुड. सेम पे देखे, स्टूडेंट का कंसंट्रेशन नहीं था, उसका ये हाल था कि मैम वो उसका पढ़ने में मन नहीं था, बोर्ड एग्जाम्स थे, 70% भी आना उसके लिए इट वाज नॉट पॉसिबल. एंड अगेन विद रेकी एंड हीलिंग्स है, उसकी भी मेहनत थी नो डाउट, रेकी हीलिंग्स एंड ऑल से ही गॉट 96% मैम. उसके पेरेंट्स, उस एवरीवन हाई वाओ वाज सरप्राइज्ड. ग्रेट अमेजिंग शुभ्रा जी यू आर रॉकिंग.